All right, friends, so now we are starting a very, very important part, and this is your cost of equity, or isko kya bolte hain hum log, KE. KE mein friends hum log denge if dividend is not paid or if dividend is paid. If dividend is not paid or if dividend is paid. Dividend आपको मालूम है is a distribution of profit जो company कमाती है. Suppose company ने company का suppose EPS है. EPS में earning per share मतलब जो आप company ने earn किया है उसमें से company shareholder को कुछ dividend देती है और बाकी का जो बचता है उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. उसके जो बाकी का जो बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. सही है सुनो फ्रेंड, रिटेन्ड अर्निंग. सो इफ डिविडेंड इज पेड और दूसरा आपका आएगा इफ डिविडेंड इज नॉट पेड. ओके अच्छा, ये जो डिविडेंड पे किया जाता है ये हम लोग पे करते हैं फ्रॉम एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बराबर, जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी रहेगा उसमें से भी हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे और जो बचेगा उसमें से हम इक्विटी डिविडेंड देते हैं. बराबर, तो इस पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट जैसे इंटरेस्ट वगैरह पे जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलता था उस टाइप का कोई भी टैक्स बेनिफिट वगैरह आपको मिलेगा नहीं. आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा. तो इफ डिविडेंड इज नॉट पेड तो क्या होगा आपका के ई इक्वल टू योर ईपीएस अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई पहला वही मार्केट वैल्यू, नंबर टू नेट प्रोसीड्स एंड नंबर थ्री इज ए बुक वैल्यू और फेस वैल्यू आपका ये हो जाएगा इफ डिविडेंड इज नॉट पेड. इफ डिविडेंड इज पेड वेरी इंपॉर्टेंट इज इट मीन्स इफ If dividend is paid, half dividend paid, पहला आपका हो जाएगा dividend divided by market price, net proceeds और बुक वैल्यू. इफ डिविडेंड इज पेड विद ग्रोथ, ये आपका हो जाएगा इफ डिविडेंड इज पेड डिविडेंड डिवाइडेड मार्केट प्राइस नेट प्रोसीड्स और बुक वैल्यू इनटू 100. अब इफ डिविडेंड इज पेड विद ग्रोथ इट मींस इफ dividend if dividend is paid with growth. Okay, if dividend is paid plus there is a ग्रोथ रेट तो आपका हो जाएगा के ई इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय आपका मार्केट प्राइस आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इज ए मार्केट प्राइस नंबर टू नेट प्रोसीड्स एंड नंबर थ्री इज ए बुक वैल्यू. ओके, और इफ डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर प्लस देर इज ए ग्रोथ प्लस लास्ट ईयर प्लस देर इज ए ग्रोथ देन
KE equal to D1 divided by market price, net proceeds, book value प्लस ग्रोथ रेट, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, प्लस ग्रोथ रेट. इट मींस डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, नेट प्रोसीड्स, बुक वैल्यू प्लस जी. अगर आपने ये डिविडेंड कभी पे किया है, पेड करंट ईयर में किया, आपने लास्ट ईयर में भी डिविडेंड पे किया है और उसमें ग्रोथ है, तो पहले डी वन निकालना पड़ेगा ना. व्हाट इज डी वन? डी वन इक्वल टू आपका डिविडेंड, ये मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा, इनटू वन प्लस ग्रोथ रेट. जैसे सपोज आपने डिविडेंड ₹2 पे किया है लास्ट ईयर और 10% ग्रोथ है, तो 1.1 आपका आ जाएगा 1.10. इट मींस नया डिविडेंड आपका आएगा 2.2, तो यहां पे आएगा 2.2, और यहां पे अगर होता तो आता था ओनली 2. यहाँ पर क्योंकि डिविडेंड आपको पे किया, डिविडेंड यहाँ पे आएगा, और अगर न्यू डिविडेंड है लास्ट ईयर है तो आपका ये आ जाएगा. सही है सोनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर. अब थोड़ा सम्स करेंगे तो थोड़ा आइडिया आएगा, और जैसे जैसे आगे अपन बढ़ते जाएंगे वो अपन देख लेंगे करके ना. पहला आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन एंड पेज नंबर 4.9. A company has paid dividend ₹1 per share of the face value 10 last year. अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया है, लास्ट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर ए कंपनी हैज पेड डिविडेंड ₹1 पर शेयर ऑन द फेस वैल्यू. इट मीन्स लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया है ₹1 लास्ट ईयर. एक्सपेक्टेड टू ग्रो, इट मींस आपका ग्रोथ रेट है टेन परसेंट. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE आपको फाइंड आउट करना है. अगर मार्केट प्राइस है 55, आपका मार्केट प्राइस है से ₹55. मैंने आपको क्या बताया था, इफ द डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले D1. इफ द डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर, मैंने आपको क्या बताया, डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर, इट मींस कैसे करेंगे, इफ द डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर. यहां पे क्या सिचुएशन है, If dividend is paid last year, KE equal to dividend. KE equal to D1 divided by market price plus आपका growth rate, बराबर D1 आपका होगा D0 into 1 plus growth rate. What is D0? D0 ₹1, ग्रोथ रेट 10%, इट मींस 1 into 1.1 is 1.1. मार्केट प्राइस आपका दे ही रखा है आपको, इस 55
एंड ग्रोथ रेट आपको दे रखा है 0.10, के ई इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 0.10, 1.1 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 0.10 इज 0.12 और 12%. सही आंसर. दिस इज इफ द डिविडेंड इज पेड, इफ द डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर. इसने बोला है ना क्वेश्चन में, ए कंपनी हैज पेड डिविडेंड 1 रुपी पर शेयर ऑन द फेस वैल्यू लास्ट ईयर. लास्ट ईयर अगर ये नहीं होता तो हम लोग इसको इसको ही लेते थे, 1 रुपी को यहां पे लेते थे, 1 डिवाइडेड बाई 55 एंड फिर 10% को ऐड कर. लास्ट ईयर पे किया इसका मतलब पहले करंट डिविडेंड निकालो और उसके बाद करो. सही है सनोज, परफेक्टली क्लियर हो. इफ द डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर. सही है सनोज, इफ द डिविडेंड इज पेड, इफ द डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर. अब आप देख लीजिए, एक आपका आता है एच पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. वो आपको आईआरआर याद है, मैंने आपको बताया था कैपिटल बजटिंग के टाइम पे आईआरआर वाला मेथड, राइट? आईआरआर वाला मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट ना. देखो जरा इलस्ट्रेशन 10, ये आपका है इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 4.1, रियलाइज्ड अप्रोच आईआरआर वाला याद है. आईआरआर इट इज ए रेट ऑफ रिटर्न वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न. क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 4.10, मिस्टर मेहरा हैड परचेज्ड अ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर रुपीज 1000. मिस्टर मेहरा हैड परचेज्ड अ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर रुपीज 1000. He has received a dividend for a period of 5 years at the rate of 10%. At the end of 5th year, he sold the share of the Alpha Limited for 1128. You are required to compute the cost of equity as per the realized. Means, उनको जो realize होके मिला है, देखो, 1000 रुपया उन्होंने invest किया starting में. Mr. Mehra had purchased a share of Alpha Limited at रुपीज 1000 आउटफ्लो हो गया. अब आउटफ्लो के बदले में उनको क्या मिल रहा है, उनको मिल रहा है 10% डिविडेंड. कितने साल तक? 1, 2, 3, 4, 5 तक, है ना. और उसके बाद फिफ्थ ईयर के बाद उनको 1128 रुपीज मिल जाएगा. फिफ्थ ईयर के बाद उनको क्या मिलेगा? 1128. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट. इसका मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो कहां पे, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू कहां पे एक होगा. What is the rate of return where the present value of inflow is exactly equal to present value of outflow? मैंने काफी आपको IRR के इस टाइप के सम कराए, okay? So it means आप उसी को यहाँ पे cost of equity बोलेंगे, okay? So it means statement showing cost of equity as per realized approach. कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड अप्रोच. सही है सुनो, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखो जरा. इट मींस डिस्काउंटिंग फैक्टर, एक हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 10% और एक हम एज्यूम कर रहे हैं डिस्काउंट फैक्टर. अगर पॉजिटिव आया तो थोड़ा हायर लेंगे, नेगेटिव आया तो कम लेंगे. आईआरआर का यही रूल था ना, एक पॉजिटिव होना चाहिए रेट, एक नेगेटिव होना चाहिए, जीरो. कितना आउटफ्लो है? 1000
So 1000 into 1 will be 1000 negative. उसके बाद इनफ्लो है 1, 2, 3, 4, 5 100 rupees dividend, 100 rupees dividend, 100 rupees dividend, 100 rupees dividend and 100 rupees dividend. और फिफ्थ ईयर के बाद आपको पैसा मिलेगा 1128. रियलाइज्ड अप्रोच, आपको कितना पैसा वापस मिल रहा है. ठीक है, ये आपका आ जाएगा और ये आपका बचेगा एनपीवी. इट मींस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर किया अपन ने एट द रेट ऑफ 10%, इट मींस 0.91, 0.82, 0.75, 0.68, 0.62 and 0.62. ये आपका आएगा 91, 82, 75, 68, 62, 1128 into 0.62 is 699. It means 91, 82, 75, 68, 62, 699 minus 1000. 77 positive आ गया. हमको पॉजिटिव चाहिए नहीं, हमको पॉजिटिव चाहिए नहीं, हमको क्या होना चाहिए, IRR इज अ रेट ऑफ रिटर्न वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. मतलब आपका जो एनपीवी है, आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, आपका जो एनपीवी है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. देखो तो अपन ने बढ़ा के लिया 12%, इट मीन्स 1000 इंटू 1 आउटफ्लो हुआ 1000. अब आप आ जाइए 100 rupees then 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 1128 into 0.81, 0.64, 0.57 and 0.57. It means 89, 80, 71, 64, 57, 1128 into 57 is 643. It means 89 plus 80 plus 71, 64, 57, 643. 1004 means 4 approximately. वापस से पॉजिटिव आ रहा है. 4 means approximately हमारा, अगर पूरा एडजस्टमेंट करेंगे फुल डिजिट में लेंगे, इसका मतलब हमारा के ई यहाँ पे हो जाएगा 12%. 12% पे आपको अप्रोक्सीमेटली 4 rupees आपका एडजस्ट हो जाएगा. तो अप्रोक्सीमेटली आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% हो जाए. IRR यहाँ पे रियलाइज्ड अप्रोच, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है, आपने कितना इन्वेस्ट किया, 1000 rupees, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है. IRR में मैंने आपको ये तो बताया था, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना. ओके, इज दिस क्लियर और नॉट, बराबर. और एक स्पेसिफिक मेथड है, दैट इज ए CAPM. क्योंकि ये अपना क्रैश कोर्स है, इसके लिए बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं बात करेंगे. एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड में भी टू द पॉइंट. CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, इसका फॉर्मूला है के ई इक्वल टू योर रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न. के ई इट मीन्स योर
cost of equity. KE means your cost of equity. RF means your risk-free return. Risk-free return. बीटा हमेशा आपको रिस्क के लिए देके रखेगा, बीटा फैक्टर, दिस इज फॉर रिस्क. और आरएम मींस मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न. अगर आप मेरे को पूछते हो कि सर आपका क्या है, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो मैं बोलूंगा भाई व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो आप मेरे को पूछोगे सर आपको रिस्क लेना है कि आपको रिस्क नहीं लेना, मैं बोला नहीं मेरे को रिस्क नहीं लेना, तो देन यू गो टू रिस्क फ्री रिटर्न. आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में डाल दो, जो पोस्ट ऑफिस देगा दैट विल बी योर रिस्क फ्री रिटर्न. आप बोलते नहीं है आई वॉन्टेड टू टेक सम रिस्क, तो रिस्क के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, बीटा फैक्टर, और ये आपको क्या कमा के देगा, प्रीमियम. तो इसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर, और ये रिस्क फैक्टर आपको क्या कमा के देगा, ये रिस्क फैक्टर आपको कमा के देगा प्रीमियम. ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा, के ई मीन्स योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर एफ मीन्स योर रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा मीन्स योर रिस्क फैक्टर, और आर एम मीन्स योर मार्केट रिटर्न. तो पहले आप देख लीजिए जरा इलस्ट्रेशन 12, दिस इज इलस्ट्रेशन 12. सॉल्यूशन तो सब दे ही रखा है, फटाफट अपन कर लेते हैं. पेज नंबर 4.11, इलस्ट्रेशन 12, पेज नंबर 4.11. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एच हुज रिस्क फ्री रिटर्न इक्वल टू 10%. रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 10%. रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 10%. एंड द फॉर्म बीटा, बीटा है उसका 1.75. बीटा कितना है, 1.75. एंड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो है 15%. इसका मतलब के ई इक्वल टू, बोलो रिस्क फ्री रिटर्न 0.10 प्लस, व्हाट इज द बीटा, 1.75 माइनस 0.15 माइनस 0.10. तो के ई विल बी, इट मींस 0.15 माइनस 0.15 माइनस 0.10 इंटू 1.75 प्लस 0.10 इंटू 100 कर दीजिए, 18.75 आएगा. और 0.187. दो मिनट का क्वेश्चन है और आपका हो जाएगा. क्या हो गया, के ई इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा और प्रीमियम में से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये अपन को दे रखा है, ये अपन को दे रखा है. ये आपका इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 4.1. सही आंसर. परफेक्टली क्लियर होना. और आप एक देख लीजिए, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 15. दिस इज योर इलस्ट्रेशन 15, पेज नंबर 4.13. इलस्ट्रेशन 15, पेज नंबर 4.13. एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स. क्या क्या डिटेल्स हैं अपने पास फ्रेंड्स, बोलो. एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स. रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न है उसका 7%. बीटा है 1.2. एंड प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स ये वाला पार्ट, ओके. प्रीमियम अपन को डायरेक्टली दे रखा है, प्रीमियम दे रखा है अपने को 6%. ओके इसका मतलब के ई इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न 7/100 इज 0.07, 1.2 एंड 6/100 इज 0.06. के ई is 1.2 into 0.06 plus 0.07 0.142
और इफ यू मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 14.2% के ई यस ऑर नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो बोलिए। ये आपका रहा एच पर CAPM, ये भी एक मेथड है अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का। आर यू गेटिंग ऑन आउट? 7% ये और ये इसका डिफरेंस, इसको प्रीमियम भी बोलते हैं और इसको रिस्क फैक्टर भी बोलते हैं, कभी कभी आपको रिस्क फैक्टर भी बोलेंगे। सही आसान हो फ्रेंड्स। और एक आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसको बोलते हैं फ्रेंड इज योर यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इट मीन दिस इज योर इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 4.11। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। डिविडेंड अपन को दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 डिविडेंड पर शेयर, प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग। इन द क्वेश्चन वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द यील्ड फॉर लास्ट 4 years एंड देन वी विल कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। उससे ज्योमेट्रिक मीन से भी अपन इसको कर सकते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक मीन से कैसे करेंगे फ्रेंड्स? यील्ड फॉर लास्ट ईयर, 1 प्लस ईयर 1, 1 प्लस ईयर 2, 1 प्लस ईयर 3, 1 प्लस ईयर 4। 1 प्लस ईयर 1 का मतलब क्या हो गया? D1P1 डिवाइडेड बाई P0। D1 मीन्स आपका जो डिविडेंड, ओके, P1 इज योर नेक्स्ट ईयर प्राइस और P0 इट मीन्स लास्ट ईयर प्राइस। तो 1 प्लस Y1 इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई P0। आपको D1 दे रखा है 1 रुपी, आपको P1 मीन्स नेक्स्ट ईयर का प्राइस 9.75 डिवाइडेड बाई 9। सिमिलरली फॉर ईयर 2 D2 P2 P1 P2 में प्राइस मीन्स थर्ड ईयर का प्राइस है 11.5 और P1 है आपका 9.75। सिमिलरली फॉर 3 एंड 4, जब आपने निकाला यील्ड फॉर लास्ट 4 ईयर 1.1944, पहला आया आपका 1.1944, ये फॉर्मूला है, इनटू 1.2821 इनटू 1.0609 इनटू 1.0772, ओके, उसकी पावर 1/4 माइनस, अगर आप 1 करेंगे तो जो रिटर्न है वो आपका के ही हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये आप कर लीजिए, दिस इज 1.1944 इंटू 1.2821 इंटू 1.0609 इंटू 1.0772, ये आपका आया 1. इसको 2 times रूट कर लो आप, आपको आएगा 1.15। उसमें से आप 1 माइनस करेंगे आपको क्या आ जाएगा? 0.15। सो यू कैन से और 15% विल बी योर के ई। क्या किया मैंने? पहले मैंने यील्ड निकाल लिया, ये यील्ड 1 का, ये यील्ड 2 ईयर, ये यील्ड 3 ईयर, ये यील्ड 4 ईयर। यील्ड का फॉर्मूला आपको दे ही रखा है, उससे यील्ड किया, इनको मल्टीप्लाई किया, 1/4 है, 2 times रूट किया और आपका ये आ गया। सही है सर, परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं? इट मीन्स आपने क्या किया, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस और उसको 2 times रूट कर दिया, 2 times अंडर रूट 2 times कर दिया, आपको ये वैल्यू आएगा -1, ये आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही है सुनो फ्रेंड, अब अपन दोनों मैंने आपको बताए थे, आप दोनों कर सकते हैं करके। रिटेन्ड अर्निंग का भी कैसे कॉस्ट निकालना है वो भी अपन देख लेते हैं, और
इसका भी कैसे कॉस्ट निकालना है वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन थर्टीन एंड पेज नंबर 4.12, ये आपका आईसीआई मॉड्यूल, लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं, राइट। आईसीआई मॉड्यूल लेटेस्ट इलस्ट्रेशन 13 पेज नंबर 4.12, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 10, इट मींस आपको फेस वैल्यू दे रखा है ₹10, वाइल करेंट मार्केट प्राइस इज 200, मार्केट वैल्यू पर शेयर दे रखा है 200, प्लानिंग टू फाइनेंस पार्शली बाई न्यू इक्विटी एंड पार्शली बाई रिटेन अर्निंग, यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इफ द इशू प्राइस आपका है इज 190 बराबर पर शेयर एंड फ्लोटेशन कॉस्ट है रुपीज से 5 पर शेयर, डिविडेंड फर्स्ट ईयर इज 10, डिविडेंड आपको दे रखा है फर्स्ट ईयर इज 10 और ग्रोथ रेट आपको दे रखा है 5%। ये क्लियर हुआ कि नहीं? पहला फेस वैल्यू कितना है 10, मार्केट वैल्यू 200, इश्यू प्राइस 190, फ्लोटेशन कॉस्ट, डिविडेंड एंड दिस। तो पहले अपन निकाल लेते के आर, तो दिस इज के आर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था के आर में सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे जो डिविडेंड वाले हैं, एक्सेप्ट यहां पे हम लोग मार्केट वैल्यू लेंगे, इट मींस डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ रेट। डिविडेंड आपका कितना है 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू आपकी 200 प्लस आपका ग्रोथ रेट कितना है 0.05, इट मींस आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 200 इज 0.05 प्लस 0.05 एंड दिस कम्स टू 0.1, इट मींस यू कैन से 10%। आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? इसमें हम लोग क्या लेते हैं, मार्केट वैल्यू लेते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। जी दिस इज यू आर डूइंग के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग 10 डिवाइडेड बाई 200 प्लस दिस 0.2 दिस एंड दिस कम्स टू 10%। अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा डिविडेंड, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने आपको क्या बताया मार्केट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इश्यू प्राइस आपको दे रखा है बराबर, और उसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट है। आपसे क्या पूछ रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी है बराबर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ इफ द इशू प्राइस, इसका मतलब नया शेयर अगर आप इशू करोगे तो 190 आपको मिलेगा, और फ्लोटेशन कॉस्ट प्रिंटिंग का कॉस्ट है, कमीशन देना पड़ेगा, इशू से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो 5 हो जाएंगे, इट मींस दिस इज योर नेट प्रोसीड्स आ जाएगा यहाँ पे प्लस ग्रोथ रेट। ओके, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड आपका 10, इशू प्राइस 190 माइनस 5 प्लस व्हाट इज द ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट इज 0.05, इट मींस दिस इज योर 185। सो 10 डिवाइडेड बाय 185 इज 0.05 प्लस 40 प्लस 0.05 0.0540 प्लस 0.05 इज 0.104 और 10.4%। सही है, सुनो आपके तो मैं वापस से बताता हूँ आपको दोनों में कहाँ पे डिफरेंस था वो जरा आप समझ लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, दोनों में जहाँ डिफरेंस था के ई, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स डी डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स प्लस जी, लेकिन नेट प्रोसीड्स यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे नेट प्रोसीड ले लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा रिटेन्ड अर्निंग, नेट प्रोसीड्स इट मींस के ई इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, इश्यू प्राइस 190 माइनस 5 प्लस
0.05. So this is 185. Okay, so 10 divided by 185 is 0.0541 plus 0.05 will be your 0.1040, or if you multiply by 100 you will get 10.41% of K. This is clear or not? Say yes or no, friends. Bolo. Is this clear or not, friends? Perfectly clear. Or this is the pose you can take. This is your illustration 14 and page number 4.12. ABC company provides the following details. D0 dividend kitna de rakha hai, 4.19. P0 market price aapko de rakha hai 50 rupees, aur growth rate aapko de rakhi hai 5%. KR cost of retained earning, maine kya bataya tha, D0 divided by P0 plus growth. What is D0? 4.19 divided by 50 plus growth rate 5% आपका dividend भी है, and they are assuming कि the dividend is paid last year. यहाँ पे मॉड्यूल में जो इन्होंने सॉल्व किया है, it means assuming dividend is paid last year. इसका मतलब ये वाला जो D है वो क्या हो जाएगा आपका, ये D0 है और अपन को चाहिए D1, तो D1 क्या होगा, D0 into 1 plus G. So D0 है आपका 4.19 into 1 plus 0.05. So this will be 1.05 into 4.19 is 4.3995. ये क्लियर हुआ कि मॉड्यूल के सॉल्यूशन में ये लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर. इवन यू कैन टेक 4. दोनों सॉल्यूशन आपको बता देता हूं. पहला आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि दिस इज योर 4.19 डिवाइडेड बाय 50 प्लस, ये भी आपका KR सही है, प्लस 0.05, ये जो आएगा, इट मींस 4.19 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0.05 इनटू 100, दिस कम्स टू 13.38. ऐसे भी आएगा, या फिर आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर. डिविडेंड इज पेड लास्ट ईयर, इट मींस D1 विल बी D0 इनटू 1 प्लस G. D0 4 और G आपको दे रखा है, नया वाला D बना जाएगा आपका. इससे फिर कैसे करेंगे, इट मींस योर KR विल बी 4.3995 डिवाइडेड बाय 50 प्लस द ग्रोथ रेट इज 0.05. 4.3995 divided by 50 plus 0.05, and this comes to 0.13799, or you can say 13.80%. अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा. सही आंसर, परफेक्टली क्लियर होना. फिर आपका एक पार्ट आता है फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट इसको बोल सकते हैं अपन, कि इट्स ए वेटेड एवरेज कॉस्ट, मीन्स सारी कॉस्ट को मिला के
अगर अपन को वेट निकालना है तो व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट, उसका एक सेट फॉर्मेट में आपको दे देता हूं और उसी फॉर्मेट में आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। मतलब एक सेट फॉर्मेट में आपको, एक सेट फॉर्मेट में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इन द सेट फॉर्मेट। ओके, वो सेट फॉर्मेट क्या है उसके लिए यू जस्ट रिफर योर इलस्ट्रेशन 16 एंड पेज नंबर 4.13। इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 4.13। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए कंपनी इज 10.41 व्हाइल द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज 10%। There are 50,000 equity shares of 10 each and the retained earning is 15 lakh. Market price of the share is 50. Calculate the weighted average using market value weight if there are no other source of finance. तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, इसमें दो रहते हैं, एक तो आप ले सकते हैं on the basis of बुक वैल्यू, जो बुक में वैल्यू है वो वेट ले सकते हैं। वेट के दो तरीके होंगे, वेट निकालने के दो तरीके, वेट में एक बुक वैल्यू ले सकते हैं और दूसरा वेट अपन ले सकते हैं इज ए मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू मींस आपके पास कितने शेयर हैं, आपके पास 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसने मार्केट वैल्यू लेने को बोला है। मार्केट वैल्यू आपके पास कितना है, 50,000। एक शेयर का मार्केट वैल्यू है 50 रुपीज, इसका मतलब आपका मार्केट का वैल्यू क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ योर रिटेन्ड अर्निंग, बिकॉज ऑफ योर रिजर्विंग सरप्लस, बराबर। इसका मतलब 50,000 × 15 आपका 25 लाख रुपीज आपका क्या हो गया, दिस इज योर मार्केट वैल्यू। आपका आपका 25 लाख रुपीज आपका क्या हो गया, मार्केट वैल्यू। और इसको हम किस में डिवाइड कर देंगे फ्रेंड, इन द रेशियो ऑफ इक्विटी और इन द रेशियो ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोल रहा है, रिटेन्ड अर्निंग कितना है आपका 15 लैक्स और आपका इक्विटी कैपिटल है 50,000 × 10 एंड दिस कम्स टू 5 लैक्स। तो इन द रेशियो ऑफ 5 लैक्स इज़ टू 15 लैक्स, इसका मतलब 25 लैक्स डिवाइडेड बाई 20 लैक्स × 5 लैक्स आपका क्या आएगा, 6 लैक्स 25,000 और 25 लैक्स less 6 लैक्स 25,000 is 18 लैक्स 75,000। ये आपका क्या हो गया, मार्केट वैल्यू वेट। ओके, कॉस्ट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग 10% दे रखा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 10.41 दे। पहले आप मुझे ये बताइए आपको वेट निकालना आया कि नहीं, टोटल वेट आप कैसे निकालेंगे, या तो बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। तो पहले ये लोग बोले मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू निकाला, हमारे पास कितने शेयर हैं, हमारे पास 50,000 शेयर हैं, हमारे पास कितने शेयर हैं, हमारे पास 50,000 शेयर हैं, एक शेयर का प्राइस कितना है 50 रुपीज, मीन्स टोटल आपका कितना हो जाएगा 25 लैक्स। 25 लैक्स को डिवाइड किया, 5 लाख की इक्विटी कैपिटल है और 15 लाख का रिटेन्ड अर्निंग है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में किया तो अपना 625 क्या आ रहा है इक्विटी, 1875 अपना क्या आ रहा है रिटेन्ड अर्निंग। ये हमारा हो गया मार्केट का वेट, ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, मार्केट का वेट। अब कैसे निकालेंगे इसका एक सेट, बहुत प्यारा फॉर्मेट आपको मैं दे देता हूँ उस, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो आपको फटाफट ले फटाफट दे फटाफट करना है। ओके, फटाफट आप करिए, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट। एक आपका है इक्विटी, इसको बोलेंगे पर्टिकुलर्स, और एक आपका है
रिटेन्ड अर्निंग, क्या मार्केट वैल्यू है आपका? मार्केट वैल्यू है रिटेन्ड अर्निंग का 18,75,000 और इसका है 625। वेट निकालेंगे फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे? 625 और 1875, इनका टोटल किया अपन ने 625 1875 is 25x डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 625 डिवाइडेड बाय इज 0.25 1875 डिवाइडेड बाय 25 इज 0.75। कॉस्ट अपन को दे ही रखा है, इट मींस 10.41 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.1041 और 10 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.10। वेटेड एवरेज मींस वेट मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट विल बी योर वेटेड एवरेज कॉस्ट, मीन्स ओवरऑल आपका वेटेड के हिसाब से आपका कॉस्ट क्या आ रहा है वो आपको देख, ओवरऑल जो वेट है उसके हिसाब से आपका क्या कॉस्ट आ रहा है वो आपको देखना है। इट मीन्स 0.25 इंटू 0.1041 इज 0.0260, दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। 0.75 इंटू 0.10 इज 0.075 प्लस 0.0260 इज 0.101। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आएगा 10.1% और 10.1%। सही है सुना, पहले अपन ने क्या किया, ये सेम फॉर्मेट आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू हम लोगों ने जो निकाला वही मार्केट वैल्यू ले लिया, टोटल 625 को 25 लाख से डिवाइड किया, टोटल वेट में कितना है 1875 25, ये आपका कॉस्ट आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट आपको मिल जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं आप बताइए, मुझे बताइए एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? बोलिए परफेक्टली क्लियर और नॉट? वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेट आपने निकाल लिया, कॉस्ट आपके पास है, तो और ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ और क्लियर हो जाएगा। अब आप पहला आप ले लीजिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 1 एंड योर पेज नंबर 4.22, लास्ट में जो आपके मॉड्यूल में दे रहा है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 4.22 मिला फ्रेंड्स। गामा लिमिटेड हैज 5,01,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हुज करेंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज 1.5। द कंपनी हैज जस्ट पेड ए डिविडेंड इज 27 पैसे पर शेयर एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर सम टाइम। इफ द कंपनी हैज नो डेब्ट कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये पर्टिकुलर्स
ये वेट, ये कॉस्ट एंड वेट मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट विल बी वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये फॉर्मेट आप पहले ही बना देना करके, अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर आप बुक वैल्यू ही आपको लेना चाहिए करके ना। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वन, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट, पर्टिकुलर्स वेट कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट, राइट। दिस इज योर इक्विटी, आपका एक ही है, दूसरा कोई फाइनेंस नहीं है। कितना इक्विटी है आपके पास, फुल वेट आपका वन है और कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा। इट मीन्स के ई इक्वल टू योर डिविडेंड डिवाइडेड बाई पी जीरो। वॉट योर डिविडेंड, डिविडेंड इज 0.27 और प्राइस ऑफ शेयर है आपका 1.5। इट मीन्स 0.27 डिवाइडेड बाई 1.5 इज 0.18 एंड दिस इज योर 0.18। और यू कैन से इफ यू मल्टीप्लाई बाई 0.18 इंटू 100 यू विल गेट इन परसेंटेज एंड 18%। सही है सोनो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो यू कैन टेक लाइक इन इज दिस क्लियर ऑन ऑल। ये आपका इक्विटी, इक्विटी का आपका वेट है फुल 18%। ये फॉर्मेट में ही आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज कॉस्ट, कॉस्ट के लिए यू कैन रेफर दिस इज नोट नंबर वन, नोट नंबर वन। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का ही आप ले लीजिए। दिस इज योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर टू, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें एंड पेज नंबर 4.22। क्रैश कोर्स है, फटाफट फटाफट आपको करना है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द जीपीएस लिमिटेड। The following details are provided by GPS Limited: equity share capital 12%, preference share capital 15%, redeemable debenture 10%, convertible debenture. The cost of equity is 16.3 and income tax rate is 30%. You are required to calculate the weighted average cost of capital. Okay, so सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, format. It means statement showing weighted average cost. Particulars बुक वैल्यू वेट कॉस्ट, वेट इनटू कॉस्ट विल बी वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट। पर्टिकुलर्स में पहला आपका है इक्विटी, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, तीसरा है 13% रिडीमेबल एंड चौथा है 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये आपका क्या हो जाएगा टोटल। इक्विटी कितने का है, 65 लाख, प्रेफरेंस 12 लाख, 20 लाख, 8 लाख। 65 + 12 + 20 + 8, 1 करोड़
5 lakhs. Say yes or no. Now 65 divided by 105, इसको वेट को ले लेते हैं, देन 12 डिवाइडेड बाई 105, 20 डिवाइडेड बाई 105 और 8 डिवाइडेड बाई, ये क्लियर होगा कि इट मीन्स 65 डिवाइडेड बाई 105 इज 0.619, देन 12 डिवाइडेड बाई 105 इज 0.114, देन 20 डिवाइडेड बाई 105 इज 0.1904, and then 8 divided by 105 is 0.07. Divided by 105 is 0.77. 0.619, 0.114, 0.190, 10, and this comes to. ये clear हुआ, ये तो straight आपको दे रखा है friends, बोलो ये आपको straight दे रखा है. Practical problem question number 2, page number 4.22. Statement showing your weighted average cost, equity, preference, book value आपको दे रख, alright, total, उससे weight निकाल लिया, it means total लिया हम लोगों ने, ये इसको इससे divide कर दिया, इसको इससे divide कर दिया, इसको इससे divide कर दिया, इसको इससे, आपका weight आ गया. ये टोटल आपका हो गया. अब कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में 16.3 डिवाइडेड बाय 100 किया आपने, तो आ जाएगा 0.163, 0.163, ठीक है. प्रेफरेंस का कॉस्ट दे रखा 12%, इट मीन्स डायरेक्टली आ जाएगा 0.120, और इनका निकालना पड़ेगा अपन को, क्योंकि इन दोनों के ऊपर अपने को क्या मिलेगा, टैक्स सेविंग मिलेगा. मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि इंटरेस्ट, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट एज एन अलाउबेबल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एज एन अलाउबेबल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एज एन अलाउबेबल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एज एन एलाउबेबल एक्सपेंडिचर, बराबर. पहला आप निकाल लो 13% जो रिडीमेबल है उसका के डी क्या आएगा, 13 माइनस टैक्स सेविंग, कितना टैक्स है अपने पास, 30% ऑफ 13, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, ओके. इट मीन्स 13 का 30% अगर आप निकाल दोगे तो 70% बचेगा, 9.1%. के डी 13 के बाद आपको दे रखा 10% कन्वर्टेबल, 10 माइनस 30% ऑफ 10 इज 7%, सो 9.1, सो 9.1 डिवाइडेड बाय 100 इज 9.1 divided by 100 is 0.091, and 7 divided by 100 will be 0.07. See, yes, sir. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.619 into 0.163 is
0.114 × 0.120 is 0.037 और 15% इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 15% का 70% 10.5% सो दिस विल बी 10.5 / 100 = 0.105 × 0.190 = 0.020 and 0.077 × 0.07 = 0.053 0.1009 0.137 0.1020 0.1053 0.1399 एग्जाम का समय अच्छा समय ये पहले हम लोगों ने बुक वैल्यू ले लिया टोटल बुक वैल्यू से डिवाइड करके वेट निकाला कॉस्ट इक्विटी का डायरेक्ट दे रखा है प्रेफरेंस का डायरेक्ट दे रखा है केडी हम लोगों ने निकाल लिया 15% क्योंकि 30% स्टेट हमको क्या मिल जाएगा टैक्स बेनिफिट तो वो अपन ने ले लिया 10% इसका मतलब अपने को क्या मिल जाएगा टैक्स बेनिफिट वो हम लोगों ने डायरेक्टली ले लिया तो इससे आ जाएगा सही है सर फ्रेंड्स एकदम आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं वो आप बताइए ये सब CA फाइनल के क्वेश्चंस इन लोगों ने मॉड्यूल में डाले हुए हैं और यू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस तो आपको एकदम प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा सही है सर फ्रेंड्स बहुत अच्छा एक सम कराता हूँ आपको ना दिस इज योर क्वेश्चन 4 पेज नंबर 4.24 देखिए जरा अपना फ्रेंड्स इसको लिमिटेड विशेष टू रेज द एडिशनल फाइनेंस ऑफ 10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान ये हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही चल रहे हैं फ्रेंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 ना तो उसको 10 लाख रुपये चाहिए रेज एडिशनल फाइनेंस 10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान इट हैज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज फर्दर डिटेल्स आर गिवन बिलो डेप्ट इक्विटी मिक्स इनको चाहिए 3:7 कॉस्ट अप टू 180 10% रहेगा बियॉन्ड 180 16% अर्निंग पर शेयर 4 डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड 10% करेंट मार्केट प्राइस 44 एंड टैक्स रेट 50% देखो पहला अपन को दे रखा है गिवन ये सब चीजें अपन देख लेते हैं गिवन है कि फंड कितना चाहिए टोटल फंड चाहिए ₹10 लाख और उसमें अपना डेब्ट और इक्विटी का मिक्स क्या रहेगा डेब्ट रहेगा आपका 30% 3:7 इट मीन्स 3 लाख एंड 7 लाख अप टू 1,80,000 आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा एट द रेट ऑफ 10% एंड फिर जो बैलेंस 120 बचेगा उसमें आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 16% सही है सुनो फ्रेंड्स ये आपका ईपीएस है आपका 4 उसमें से आप माइनस कर दीजिए डीपीएस 50% ऑफ 4 इज ₹2 बाकी का आपका क्या हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग
सही आंसर ऑप्शन टू रुपीज आपका क्या हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट आपको दे रखा है, जी आपको दे रखा है 10%, ठीक है। मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू है 44 रुपीज इक्विटी का, और आपका टैक्स रेट है 50%। इसका मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, सही है। सुनो क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पेज नंबर 4.24। गिवन टोटल फंड अपने को चाहिए 10 लाख, उसमें से डेप्ट इक्विटी क्या बोल रहा है 10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान, इट हैज 2,10,000 इन फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, फर्दर डिटेल्स आर एज अंडर। 7 लाख का इक्विटी रहेगा और 3 लाख का उसका क्या रहेगा डेप्ट रहेगा, ठीक है। अप टू 1,80,000 आपका इंटरेस्ट 10% है और उसके बाद आपका इंटरेस्ट रहेगा 16%। अर्निंग पर शेयर आपका EPS 4 रुपीज दे रखा है, डिविडेंड पेआउट रेशो 50% ऑफ 4 2 रुपीज, रिटेन अर्निंग 2 रुपीज, ग्रोथ रेट आपका क्या है 10%, देन मार्केट वैल्यू 44 एंड टैक्स रेट इज 50%। अब आपको क्या बार बार क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इतना अच्छे से दे रखा है, अब आपको बार बार ये क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं है, फटाक से आप देख सकते हो। ये CA फाइनल में पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन और आपके मॉड्यूल में डाला है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस, डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस मीन्स किस पैटर्न से हम लोग फाइनेंस को रेज करेंगे। इसका मतलब इट्स वेरी सिंपल, 3 लाख अपन ये ले लेंगे डेप्ट और 7 लाख ये ले लेंगे। डिटरमाइन द पोस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट, तो डेप्ट का इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें से टैक्स सेविंग माइनस कर देंगे तो अपना कॉस्ट आ जाएगा। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी का कॉस्ट तो यहाँ पे सेम रहेगा ओके, क्योंकि देर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट ना, तो आपका सेम ही आ जाएगा KR and KE एंड लास्ट में आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट, सही है सुना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप ले लीजिए ए, इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर ए, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग पैटर्न ऑफ the additional finance, 10 lakhs divided into debt equity 3:7, 3 lakhs, 7 lakhs up to 1,80,000 at the rate of 10% balance 120 at the rate of 16%। इक्विटी में आपका रिटेन्ड अर्निंग आपके पास ऑलरेडी है 210 का एंड बैलेंस हम लोग इक्विटी रेज करेंगे, इट मीन्स 700 माइनस 210 इज 4,90,000। स्टेटमेंट शोइंग पैटर्न ऑफ दी एडिशनल फाइनेंस 10 लाख अपने को चाहिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो उन लोगों ने बोला है 3:7, 3 लाख डेप्ट 7 लाख इक्विटी अप टू 180 10% बैलेंस 120 16% रिटेन अर्निंग 210 एंड इक्विटी 4,90,000, सही आंसर। परफेक्टली क्लियर ये आपका रहा आंसर नंबर ए। इस तरह से हम लोग को लेना चाहिए, इस तरह से हम पैटर्न करेंगे।
ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आंसर बी, आंसर नंबर बी, डिटरमाइन द पोस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेब्ट। केडी आपका क्या होता है, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है, नेट प्रोसीड्स भी कुछ नहीं है, तो बुक वैल्यू इनटू 100। ओके, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना है, 1,80,000 इंटू 10% इज 18,000, और 120 इंटू 16%, 120 इंटू 16% इज 19,200, इट मीन्स 18,000 19,200 इज 37,200 लेस टैक्स सेविंग्स, क्या टैक्स है 50%, 50% है 18,600 कितना फाइनेंस है 3,00,000, 6.2%, 6.2%। और राइट फ्रेंड्स, तो ये अपना क्या हो जाएगा, केडी, केडी मीन्स इंटरेस्ट टैक्स सेविंग बुक वैल्यू, इंटरेस्ट अपना कितना है 180 का 10%, 18,000, 120 का 16%, 19,200 टोटल, उस पर टैक्स सेविंग हो जाएगा ये आपका 18,600 और ये आपका 6.2%। सही है, सुनो फ्रेंड्स, आगे क्या बोल रहा है अपने को, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपका के आर एंड के ई विल बी द सेम, इट मीन्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। ओके, और डिविडेंड एज्यूमिंग डिविडेंड पेड लास्ट ईयर, डिविडेंड पेड लास्ट ईयर, इट मीन्स नाउ डी वन आपका हो जाएगा 2 rupees इंटू 1+, व्हाट इज द ग्रोथ रेट 10%, इट मीन्स नवा डिविडेंड आपका हो जाएगा 2.2, मार्केट प्राइस आपका आ जाएगा 44, और ग्रोथ रेट है आपका से 10%, इट मीन्स के आर और के ई आपका क्या रहेगा सेम, इट मीन्स डी वन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। डी वन कितना है आपका, डी वन है 2.2, मार्केट प्राइस है 44 प्लस 0.10, 2.2 डिवाइडेड बाय 44 प्लस 10 इज 15% आपका कॉस्ट आ जाएगा, 0.15 और से 15%। के ई आपका या के ई या के आर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह होता तो आपका के ई चेंज होता था, देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। डी वन अपन निकाल लेंगे लास्ट ईयर का डिविडेंड और मल्टीप्लाई बाय ग्रोथ इंक्रीज करके, मार्केट प्राइस 44 है, जी आपका 10% है, के आर के ई डी वन मार्केट प्राइस जी
ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑफ। और फाइनली अपने से आप क्या पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका ये हो गया, दिस इज योर आंसर नंबर थ्री, सॉरी आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। और आंसर नंबर डी वही फॉर्मेट, सेम परफेक्ट फॉर्मेट स्टेटमेंट, शोइंग शोइंग और नॉट शोइंग ना, और यू आर सीइंग, यू आर शोइंग, आंसर नंबर डी स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट पर्टिकुलर्स वेट कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट इक्वल टू वेट इनटू कॉस्ट, ये इक्विटी, ये डेब्ट, ये 7 लैक्स, ये 3 लैक्स, बोले तो ये आ जाएगा, ये तो अपन को दे ही रखा है ना डायरेक्टली वेट, तो 0.7, 0.3, 6.2 डिवाइडेड बाई 100 इज 0.062 एंड इक्विटी का अपन ने निकाला था 15% ना, 15 डिवाइडेड बाई 100 इज 0.15, 0.7 इंटू 0.15 इज 0.105, 0.3 इंटू 0.062 इज 0.0186 प्लस 0.105 इज 0.1236 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 12.36%, 0.1236 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब 100 से डिवाइड किया, सही है सुनो फ्रेंड्स, बोलिए क्लियर और नॉट, इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, बोलो परफेक्टली क्लियर और नॉट, प्रॉपर और नॉट फ्रेंड्स, बोलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, से नाइस, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट पर्टिकुलर्स ई एंड डी, वेट आपको दे रखा है, कॉस्ट आपको दे रखा है, ओके एंड दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई वेट, बोलो परफेक्टली क्लियर हो, बहुत अच्छे सम्स चल रहे हैं आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको फाइनल सीए में पूछे हुए हैं, ओके प्रॉपर और नॉट फ्रेंड्स, ओके अब आप आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ आपको एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 एंड पेज नंबर 4.29, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 4.29, कल्याणम लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 34,50,000 एंड हैज एम्प्लॉयड डेब्ट विच गिव्स टोटल इंटरेस्ट चार्ज 7,50,000, द फर्म हैज एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज 16% and 8% रेस्पेक्टिवली, the firm has a new proposal before it which requires
fund of 75 lakhs and is expected to bring an additional profit of 14,25,000. To finance the proposal, the firm is expecting to issue an additional debt of 8% and will not be issuing any new equity shares in the market. Assume no tax culture. You are required to calculate the weighted average cost of capital before the new proposal and after the न्यू प्रपोजल. ओके, पहले अपन फॉर्मेट ही बना लेते हैं फ्रेंड्स. स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट. स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट. Okay, first is at present okay, equity ये डेप्ट ये टोटल प्रपोज्ड ये आपका आंसर वन और ये आपका आंसर टू प्रपोज्ड बराबर. ये इक्विटी ये डेप्ट ये टोटल. उससे अपन क्या निकाल लेंगे वेट कॉस्ट वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट. पहले फॉर्मेट पहले बहुत अच्छे से आप बना लीजिए. सही है सर फ्रेंड्स. ओके, एक एक चीज को बराबर से आप समझ लीजिए राइट, तो आपका काम एकदम प्रॉपरली हो जाएगा. सही है सर फ्रेंड्स. ओके, अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे. अपन चलते हैं. This is your statement showing valuation of firm. This is at present, this is proposed. Answer one, answer two. Earning before interest and tax 34,50,000 less interest. उसको हम बोल देंगे नोट नंबर वन. इंटरेस्ट कितना है 750. द फॉर्म एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16.8%. ए अर्निंग बिफोर टैक्स 3450 माइनस 750 इज 27 लाख एंड देर इज नो टैक्स. इसने बोला है ना you are required to calculate the weighted or average cost of capital. Okay, and assume no tax culture. इसका मतलब पूरा की पूरा तो KE हमारा हो जाएगा. Okay, so valuation of equity will be your EBT divided by KE. 27 lakhs divided by
0.27x divided by 0.16. 27 lakhs divided by 0.16 is 168,75,000. वैल्यूएशन ऑफ डेप्ट, डेप्ट है अपने पास 7,50,000 का, हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं विच इज 0.08%. 7,50,000 डिवाइडेड बाई 0.08 इज 93,75,000. सो टोटल विल बी, वैल्यूएशन ऑफ फर्म विल बी 168,75 प्लस 9,375 260,50,000. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? बोलिए. This is your statement showing. This is your present situation. This is proposed. Earning before interest tax आपको दे ही रखा है, interest आपको दे ही रखा है, earning before tax आ जाएगा, valuation of equity EBT divided by KE आपका ये आ जाएगा. ओके, ये आपका ये आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा, ये दोनों आपको दे ही रखे. सही है, सुनो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये क्या बोल रहे हैं, द फॉर्म हैज ए न्यू प्रपोजल बिफोर इट विच रिक्वायर्स फंड फॉर 75 लैक्स एंड एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 14,25,000. इट मीन्स 3,450 का तो हमारा प्रॉफिट पहले हो रहा था, है ना, प्लस 14,25,000 का और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 48,75,000. 48,75,000 कैसे? 3,450 तो हमारा पहले था प्लस 14,25 और हमारा बढ़ रहा है. सही है, सुनो फ्रेंड्स, बोलो. लेस, अब ये बोल रहा है इंटरेस्ट का पार्ट, तो इंटरेस्ट बोल रहे हैं एडिशनल डेप्ट लेना पड़ेगा उसको 75 लाख का, तो 75 लाख का 8%, 75 लाख का 75 लाख का 8% अपने को लेना पड़ेगा ना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू 8%. ये हमारा, आपको समझे ना, 3,450 तो हमारा पहला प्रॉफिट था ये वाला, प्लस हमारा प्रॉफिट और कितने से बढ़ गया, इस 1425. इट मीन्स 3,450 प्लस 1425 आपका कितना है, 48,75 आपका टोटल ये हो गया. अब इंटरेस्ट 7,50,000 इंटू 7,50,000 इंटू 8% इज 60,000. और अपना ओल्ड इंटरेस्ट कितना था, अपना ओल्ड इंटरेस्ट था 7,50,000 प्लस 750, आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 750 प्लस 60 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 8,10,000. इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट आपका 8,10,000. ये क्लियर हो गया, ये आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट हो गया, ये आपका नया प्रॉफिट हो गया. सही है, सुनो परफेक्टली क्लियर? अब आप आ जाइए, 4875 माइनस 810 इज 40,65,000. सही आंसर, 40 लाख, 48,75,000, सॉरी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन गलत लग रहा है, पहले कितना था अपना इंटरेस्ट, पहले था 7,50,000 का ओल्ड इंटरेस्ट इज 7,50,000
और न्यू इंटरेस्ट है हमारा 75 लाख का 8%, 75 लाख का 8%, सॉरी दिस इज 6 लाख, न्यू इंटरेस्ट इज 6 लाख, सो दिस कम्स टू 13 लाख 50,000, it means 4875 minus 1350 is 35 lakh 25,000. Okay, so value of equity will be 3525. आपको निकालना पड़ेगा. ये आपका हो जाएगा 30 KE, इट मीन्स KE विल बी 35,25,000 और आपका इक्विटी तो पहले ही था इज 16875,000. 35,25,000 डिवाइडेड बाय 16875 is 2088. You can say 209 भी लिख सकते हैं अपना. This is 0.209 और 20.9%. अगर इसको 0.209 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही है. सुना दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स के ई आपका निकल जाएगा. दिस इज ईबीटी डिवाइडेड बाय जो भी आपका इससे अपने को के बी निकल. सही है. सुना आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म होगा. ओके, वैल्यू ऑफ डेप्ट भी अपन निकाल सकते हैं. पहला डेप्ट कितना था आपका 7,50,000 आप पे कर रहे थे 8% का. ओके, तो ओल्ड डेप्ट था 7,50,000 इंटू 100/8. ओल्ड डेप्ट 750 डिवाइडेड बाई 0.08 इज 9,375,000 प्लस आपका ओल्ड डेप्ट कितना, ये ओल्ड हो गया और न्यू डेप्ट है आपका 75 लाख. इट मीन्स प्लस 16875,000. ये आपका ओल्ड डेप्ट था, ये आपका न्यू डेप्ट है 75 लाख का. सही है. सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो रहे हैं. देखो अभी चलते हैं अपन 168, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं. 75,000 ओल्ड में आपका डेप्ट कितना था, ओल्ड में आपका डेप्ट था 93,75 और न्यू में आपका हो जाएगा 168,75,000. It means 16875 into 2. 3,375,000. ये आपका आ जाएगा वेट. It means 16875
ट्रिपल जीरो प्लस 168 75 ट्रिपल जीरो प्लस 9375 26 25 0000. ओके वेट निकाला 168 75 000 डिवाइडेड बाई 2625 हो गया ना 168 75 000 डिवाइडेड बाई 2625 1 2 3 4 9375 000 डिवाइडेड बाई 2625 16875 2625 and this comes to 0.6429 and ये आएगा 1 minus 0.6429 is 0.3571. ये तो 50-50 आ ही जाएंगे दोनों एक जैसे ही ना. कॉस्ट इक्विटी का कॉस्ट कितना था 16% इट मीन्स 16 divided by 100 इज 0.16 और इसका क्या कॉस्ट था 8 divided by 100. हाँ अगर यहाँ पे ये होता था ना टैक्स तो ये चेंज होता था इंटरेस्ट कॉस्ट उतना टैक्स सेविंग मिल जाता 0.6429 into 0.16 इज 0.1029 into 0.3571 into 0.08 0.0286 plus 0.1029 is 0.1315 or 13.15% means 100 से मल्टीप्लाई कर देना. देन कॉस्ट आपका क्या आ रहा है एडिशनल डेप्ट भी आपको 0.08 में मिल रहा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन ने निकाला था इस 20.9 इट मीन्स 20.9 divided by 100 is 0.205 0.5 into 0.08 is 0.04 plus 0.1045 is 0.1445 or 14.45%. ये आपके ऑल टॉप क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके चल रहे हैं. यू फॉलोइंग ऑन परफेक्टली क्लियर आना. यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? राइट फ्रेंड्स.